नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो है जितेंद्र सांगवान के डेयरी फार्म पर दो बफेलो इधर देखिए, बफेलो फेस्ट के लिए जो है खाली बाल्टी दिखा दी वीडियो में बात निकाल कि इस बफेलो की जो आप सेकंड बफेलो की जो आप इसकी मिल्किंग में बाल्टी खाली देख सकते हैं, निकाल ही बायर्स हैं या फिर हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं वो एक अच्छा पशुधन जो है देख पाएं या वीडियो में बताई गई जो डिटेल हैं उससे जो आप कंपेयर कर पाएं। तो आप देख सकते हैं मिल्किंग जो हो स्टार्ट हो चुकी है। मिल्किंग जो हो देख सकते हैं, बाहर बारिश का मौसम जो है वो आपको बूंदों की आवाज़ देख पा रहे होंगे। तो ये जो है लगभग बारिश के कारण पूर्ण लीटर के करीब दूध मैंने रख दिया। जी तो सर का कहना है कि 700-750 ml जो हो छोड़ दिया गया है बारिश की वजह से, तो बाकी बारिश की आप आवाज़ देख सकते हैं। तो आपके अनुसार ये मिल्किंग कितनी होगी जी, काउंटिंग में क्या जी, ये जो दूध है कितना होगा बाल्टी? लगभग 7.5 liter के करीब दूध तैयार है। ठीक है, और क्या एमके जी आप अपने हाथों में रख के देख लो। ठीक है जी, और दूसरी बाल्टी ये कितना होगा दूध? लगभग 6.75 liter ये। तो आप यहाँ मिल्किंग जो है बफेलो की देख सकते हैं। यदि आप इच्छुक बायर हैं तो सर के साथ संपर्क करके जिस प्रकार की भी आप जानकारी चाहते हैं कॉन्टैक्ट करके और जो है इनके डेयरी फार्म पर विजिट करके अपनी जो है लेवल पर संतुष्टि करके अपने लिए पशु पसंद कर सकते हैं। देखो बारिश के कारण ज़्यादा मतलब अच्छी प्रकार से मिल्किंग नहीं हो रही पाई, क्योंकि पूरी मिल्किंग नहीं हो रही पाई। जी जी, आप देख रहे हो कि बारिश आ गई। जी जी जी, ठीक है जी। और चाहे कोई भी व्यूअर कोई भी बायर जी 6 टाइम मिल्किंग करके भैंसों को ले जाए। जी जी, और यदि आप इसमें कुछ संशय मानते हैं तो आप व्हाट्सएप पर लाइव कॉल के जरिए दोबारा मिल्किंग आप चेक कर सकते हैं कभी भी। जी बिल्कुल, दिखा सकता हूँ। और उसके बाद जी मतलब मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा तंग ना करें जी, कि मेरे को ऐसी चाहिए थी मेरे को ऐसी चाहिए थी, जो इनमें से जो भी लेनी है उसी की बात करें। उसी की बात करें, ठीक है जी जी। मैं मैकेनिक आदमी हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जी जी जी, तो हाँ थोड़ा सा आप चेहरा अभी देख पाएंगे क्योंकि बारिश की वजह से मौसम में जो है अंधेरा हो गया है। तो कोशिश की है काफ़ी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके लिए ले पाया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।